What is the major transformation that has happened according to you during this pandemic? I'm very happy actually with what I had. I've started counting and looking at my glass ना जो मैं पहले देखता था कि यार ये तो आधा है. Now I realized कि यार ये आधा नहीं है. मेरा नजरिया गलत था. My glass is actually full. इससे ज्यादा अगर मैं भर दूंगा ना मुझे समझ नहीं आएगा कि उसके साथ मैं क्या करूंगा. It will just spill out and get wasted. Correct. So we started to become grateful for what we have. Absolutely. So बहुत प्यारी बात है perspective के ऊपर. The moment you shift your perspective, the moment आपका चश्मा बदल जाता है दुनिया को देखने का, तो कहीं ना कहीं दुनिया अपने आप बदल जाती है. It's exactly like you know when we are in love. जब हम होते हैं तो वो rose scented glasses कैसे लग जाते हैं, चश्मा लग जाता है आंखों के ऊपर, सब खूबसूरत दिखता है. But the moment you had a breakup, then ऐसा लगता है you start doubting and suspecting every human being or every person coming into your life. Absolutely. और यार यही बात है, जब हम इतना इम्पोर्टेंस अपने करियर को देते हैं ना तो ब्रेकअप्स तो हमारे जैसे करियर में तो रोज होते हैं, बिकॉज वी गो फॉर एन ऑडिशन, वो कभी होगा कभी नहीं होगा. सो यू कैन नॉट डू दैट. यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिकल एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर द वीक हार्टेड. हाँ, दिस प्रोफेशन है, क्योंकि इस प्रोफेशन में हमेशा रिजेक्शंस आपको मिलती ही रहेंगी एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म्स. यू टेल मी, हाउ अबाउट यू, मतलब कि किस तरह के रिजेक्शंस फेस किए हैं? सी ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्चुनेटली इतने रिजेक्शंस फेस नहीं किए. अगर मुझे मौके बहुत मिले और मौके कभी मतलब दे हैव गॉन टू द राइट पर्सन. तो अगर ऑडिशंस दिए हैं हम सब ने, तो जब मुझे कास्ट नहीं किया गया और मुझे बुरा लगा कि यार ये शो मिल जाता, जब पता चलता है कि किसको कास्ट किया है, यार ऑनेस्टली मैं बताऊं मुझे लगता है कि यार सही किया है. आई नेवर फेल्ट कि जो हुआ है मेरे साथ गलत हुआ है. मुझे लगता है कि अगर मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर होता तो भी मैं उसको ही लेता. तो देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर वर टाइम्स व्हेन शायद ऐसा भी हुआ हो कि मुझे उस एक्टर के बारे में नहीं पता हो या कोई नया लड़का हो, तो आई लॉस्ट द शो. किसी नए लड़की को मिल गया हो, आई थॉट यार कि यार व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बॉय, आई कुड हैव डन दिस रोल. यू नो मे बी दे वांटेड टू पे हिम लेस मनी और व्हाटएवर. एंड इवेंचुअली ऐसा एक इंसिडेंट सिर्फ एक ही एक्टर के साथ हुआ है मेरे साथ, एंड आई इवेंचुअली वर्कड विद दैट बॉय. Okay. Some 4-5 years later, and that guy was so good at his work. He must be some 10 years younger than me. Okay. पर इतना अच्छा था अपने काम को लेकर, वो इतना अच्छा था, इतना passionate था acting को लेकर. I learned from him and I realized कि जब casting हुई थी और इसको ये show मिला था, तो सही था. He was the right person. That is why today this boy is where he is. He is fantastic. What has acting taught you over a period of time? What I have learned about acting is कि It is a never-ending, you know, study. जो मैंने start किया था, जब मैंने अपना पहला audition दिया था, मुझे लगता था कि मैं best हूँ. जैसा लग रहा है बड़ी मेहनत है यार, ये never-ending study है, कभी खत्म ना होने वाली. नहीं, and when you start thinking about it, तो आप इतने easily सीखना start कर देते हो चीजों को. I pick up things much faster. अब समझ में आता है कि कौन किस level तक है, क्यों है वो वहाँ पर, वो क्या कर रहा है अलग आपसे. पहले तो समझ में भी नहीं आता था. सही बात. कि why somebody is better. At least now the understanding is there why somebody is better. अब मैं वैसा कैसे बनूंगा वो अलग बात है. अभी वो उसकी अलग स्टडी करनी पड़ेगी. करेक्ट. बट एक्टिंग से या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है. अभी तो ऐसा है कि बहुत सारे मीडियम्स भी है जहाँ पर आप बहुत सारे एक्टर्स को देख सकते हैं. यू नो द ओटीटी प्लेटफॉर्म इज देयर नाउ. वी गेट टू सी सो मेनी एक्टर्स. वी आर नॉट स्टक टू अ फ्यू एक्टर्स. अब हमें पता है कि एक्टिंग क्या होता है, बिकॉज इतने सारे एक्टर्स है यार और इतने सारे अच्छे एक्टर्स है. There's so much to learn यार. I to just sit and sometimes I just watch shows not for their content but just to get inspired. अच्छा, just to get inspired by. Yeah, I just find them so brilliant, you know. लोग मुझे पूछते हैं कि who is your favorite actor? ये कितना मुश्किल सवाल हो गया है, बिकॉज इतने सारे अच्छे एक्टर्स है यार. मुझे लगता है कि वो जो सवाल था ना वो गलत था. मुझे अगर पूछते कि who's your favorite star, तब मैं कह सकता था कि सलमान खान है, आमिर खान है, पर फेवरेट एक्टर तो भी बहुत ज्यादा हो गए. हां, बिकॉज़ एवरीवन ब्रिंग्स इन अ डिफरेंट न्यूएंस ऑफ देयर एक्टिंग व्हिच इज वेरी यूनिक. एब्सोल्युटली, दैट्स वन ऑफ द रीजन. तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इस बात को पिक करना who is your favorite actor. या यार, मुझे ना बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था when I was very young, so I got that aggression with me when I came to Bombay also. MP3 के शूटिंग के पहले so I signed the movie. And over there, जो कार पार्क वाले होते हैं ना उसके साथ मेरा झगड़ा हो. You know, I had done some theater workshops और उसमें जो मेरा passion था वो क्यों था? Because I wanted to become a hero. I had this कि यार टीवी करना है पैसे कमाने के लिए. So there was a goal. And then I really enjoyed that phase of mine.